तो भाई शादी भी हो गई और मज़े भी हो गए, लेकिन अभी जो शादी का सीन था वो ये था कि हमारी शॉपिंग पहले से हुई हुई थी तो इतनी टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन वलीमे के लिए हमारी कुछ चीज़ें बाकी थी तो उसके लिए हम लोग गए भाई डॉर्मिल मॉल, मज़ा भी आया। तो वलीमे की शॉपिंग हो चुकी है और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सोचा क्या खाएंगे हम लोग, मैकडॉनल्ड एंड KFC हम लोग खाते रहते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, निहारी। तो शादी के बाद वलीमे में 5 days का गैप था, तो पहला दिन तो हमारे निकल गए शादी में, दूसरे दिन हमने निकाल दिए कुछ मेहमानों के लिए, थर्ड डे पे हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमने भाई ये निहारी खाई। अब फोर्थ डे पे हमारा फेवरेट हमने भाई खाया खान ब्रोस। इसका पूरा साल हम लोग वेट करते हैं कि भाई ऐसा ब्रोस नहीं मिलता यहाँ पे, तो जब हम लोग वहाँ जाके खाया जो मज़ा आया हमें, अब 5th day पे आ रहे थे हमारे बाबा, क्योंकि बाबा ने शादी स्किप कर दी थी और डायरेक्ट वहाँ वलीमे में, तो भाई इसकी भी खुशी थी और वलीमा और भी अच्छा होने वाला था। तो आज है वलीमे का दिन फाइनली, रात में है वलीमा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई हेयर ड्रेसर के पास, जी हाँ वही सेम हेयर ड्रेसर जिनका नाम था बॉबी, लेकिन इस बार परेशानी की कोई बात नहीं है, वो हमारे दूल्हा को तंग नहीं करेंगे भाई, नहीं परेशान करेंगे। तीन घंटे गुजारने के बाद भी हम तीनों को चाय की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई, तो फिर मैं गया नीचे चाय लेने और मैं साथ में फ्रेंच फ्राइज भी ले आया। अब भाई चाय तो चाय है, वलीमा है 2 घंटे के बाद और हमारी तैयारी हो चुकी है आधी, तभी हमें दुल्हन की कॉल आती है, उन्हें चाहिए होता है क्या ब्राइडल हेडबैंड, हम लोग थोड़े टेंशन में आ गए भाई क्योंकि अभी हमारी तैयारी बाकी है और ऊपर से हमें पिक भी करना था दुल्हन को और सबा बाजी को भी। फ्लावर के दुकान में सीधे आते हैं, इसी मेन रोड पे है ना? हाँ जी, ये मेन रोड है ना, सबा जी वाला, आप जाएंगे तो उस वाले रोड से जाने वाला रोड है ना। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे ताया ने भाई वो जो हेडबैंड था वो ले लिया और पिक भी कर लिया दुल्हन को। Thank you.
अभी आप जो ये वीडियो देखें दूल्हा और दुल्हन की, मैं आपको दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन। नीचे जाइए, वापस जाइए, तुम्हारे कह रहे थे। ये क्यों बन गया? दोबारा जाते हैं।